हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सो और वेलकम ऑन माय चैनल। तो आज रिव्यू करेंगे मिमी मूवी का कि मूवी कैसी है। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम एक ऐसी मूवी है ये अलग कंसेप्ट के साथ जो मूवी देखने लायक इंटरेस्टिंग है और स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मूवी जो है खींच के रखती है ऑडियंस को और कुछ अलग से हटके है। और कृति सनन की ये पहली मूवी है जो मुझे मतलब कंटेंट टाइप अच्छी मूवी है और साथ में उनका गेस्ट मतलब रोल है, लीडिंग रोल है, मतलब ये नहीं है कि एक्टर के साथ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पंकज त्रिपाठी और कृति सनन दोनों इस मूवी को लीड कर रहे हैं और दोनों का रोल एकदम बढ़िया है। ज़्यादा एक्टर्स इनका मतलब लीडिंग रोल नहीं है, दो इन्हीं दो का। और उसके बाद सुप्रिया पाठक जो हमें रामलीला में देखने को मिली थी, जो दीपिका पादुकोण की मदर थी, तो उनका भी रोल ठीक ठाक है। और मनोज पावा जी जो सलमान खान की मूवी और धमाल में काफ़ी मूवीज़ में है, जो उसमें थे क्या नाम है वांटेड में थे और जो सोनू किड्स थे और जो उस पर धमाल में पायलट थे, तो उन्होंने भी ठीक ठाक रोल किया हुआ है। और फॉरेन का मुझे इतना फॉरेनर्स का इतना रोल पसंद नहीं आया क्योंकि इतनी दमदार एक्टिंग, क्योंकि उनको हिंदी तो आती नहीं, बट इतनी एक्टिंग अच्छी नहीं की। लोगों को पसंद आई होगी बट मुझे नहीं पसंद आई। और गाने भी ठीक ठाक हैं, मतलब इतने भी अच्छे नहीं हैं, डिसेंट बहुत गाने हैं। बट मूवी का जो प्लॉट है, डायरेक्टर को लक्ष्मण जी को हाईली अप्रिशिएट करना पड़ेगा। मूवी का प्लॉट उन्होंने एक ही कंसेप्ट पे रखा हुआ है, आगे पीछे जाने नहीं दिया। प्लॉट ये है कि फॉरनर्स हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं और वाइफ जो है माँ नहीं बन सकती है, उनको एक सरोगेट मदर की ज़रूरत होती है। और वो एक खूबसूरत लड़की जो मतलब स्लिम हो या वगैरह, जो अच्छी क्वालिटीज़ की हो, सुंदर दिखती हो, उनकी अकॉर्डिंग हो, लगती हो, तो उनको वो सरोगेट मदर बनाना चाहते हैं। तो वो कृति सनन को देखते हैं तो पंकज त्रिपाठी को बोलते हैं कि अगर आपके नॉन में कोई हो, तो फिर पंकज त्रिपाठी पहले अपनी माँ के पास ले जाता है। यार मुझे वो थोड़ा सा ना सीन अच्छा नहीं लगा यार, तो काफ़ी लोगों के सेंटीमेंट्स को हर्ट भी होगा, मतलब वो सीन्स नहीं दिखाना चाहिए था यार किसी की। आप अपनी मदर को सरोगेट मदर बनाना चाहते हो, मतलब इट्स ए कॉमेडी दिखाया गया, बट यार वो मुझे थोड़ा सा हर्ट लगा यार। वो सीन्स बनाना नहीं चाहिए आपको, वो रोल नहीं रखना चाहिए था, सीन नहीं रखना चाहिए था, थोड़ा सा हर्ट करता है यार वो। बाकी मूवी अच्छी है। और उसके बाद वो कृति सनन से मिलता है डांस क्लब में, तो वहाँ पे उनको पसंद आती है फॉरनर्स को वो कृति सनन। उसके बाद पंकज त्रिपाठी उसको कन्विंस करता है। कृति सनन जो होती है वो एक्ट्रेस बनना चाहती है, उसको पैसों की नीड होती है, तो फिर वो भी सोचती है कि यार मुझे मेरे पास अगर मैं सरोगेट मदर बनूँगी मुझे 25 लाख मिलेगा, 20-25 लाख इतना ही उसको शायद वो ऑफ़र करते हैं। तो वो सोचती है यार मुझे मेरा ड्रीम कंप्लीट हो जाएगा, मैं मूवीज़ में चले जाऊँगी। तो फिर उसके बाद घर वालों से झूठ बोलती है कि मुझे मूवीज़ मिली है, मूवी साइन करनी है। फिर वो अपने दोस्त मुस्लिम के घर, एक मुस्लिम घर दोस्त होती है तो उसके घर पर रहती है 9 महीने। तो पंकज त्रिपाठी को वो हस्बैंड बना लेती है बीच में, और बीच में कॉमेडी सीन्स भी हैं। और बीच में एक ट्विस्ट आता है कि फॉरेनर्स को जब वो आते हैं, वो मतलब दोबारा फॉरेन से होके, तो उनको पता चलता है कि जो मिम्मी के पेट में जो बच्चा है वो मतलब सही नहीं है, सही नहीं मतलब इन द सेंस वो ठीक नहीं है, तो उसको कोई प्रॉब्लम है। तो वो क्या करते हैं, चले जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, बट वो रिपोर्ट रॉन्ग निकलती है। मिम्मी जो है मतलब बुरखे में रहती है 3-4 महीने, उसके बाद वो बाहर सबको पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके घर वालों को भी पता चल जाता है। और उसके बाद कहते हैं कि कैसे प्रेग्नेंट हुई, तो वो बोलती है कि मैं मेरी पंकज त्रिपाठी से शादी हुई है। तो उसके बाद वो कॉमेडी सीन्स भी है बीच में। तो उसके बाद एक इमोशनल सीन आता है कि कृति सनन बोलती है यार कि तू मुझे छोड़ के भी जा सकता था, तेरे पास ऑप्शन भी था, बट तूने मेरा साथ दिया। फिर पंकज त्रिपाठी बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं, हम ड्राइवर हैं, हम सवारी को जहाँ से उठाते हैं फिर घर पे छोड़ के ही आते हैं। वो बड़ा अच्छा है। और पंकज त्रिपाठी ने का रोल बड़ा अच्छा है यार, लीडिंग रोल है बहुत। और मैं चाहता हूँ कि पंकज त्रिपाठी को बहुत अच्छी मतलब और मूवीज़ में लीडिंग रोल मिले यार, बहुत अच्छा रोल था यार उनका, नॉट एज एन एक्टर मतलब हीरो टाइप,
बट जो भी रोल मिले अच्छा रोल मिले, ये नहीं कि आधे घंटे का 15 मिनट का रोल। तो उसके बाद मूवी का प्लॉट धीरे धीरे हटता है और उसकी पंकज त्रिपाठी की वाइफ को पता चलता है कि उसकी शादी हुई है, फिर वो आते हैं वहाँ पे, तो फिर उसके सबको पता चलता है, कृति सेनन बताती है मिमी कि मेरी शादी से नहीं हुई है, इसने मेरे लिए झूठ बोला। और उसके बाद बच्चा होता है, वो पूरा फॉरेनर की तरह बच्चा होता है। फिर उसके बाद उनको फॉरेनर्स को मतलब वीडियो 3-4 साल 5 साल का बच्चा होता है तो उनको एक वीडियो में मतलब फेसबुक में मिमी वीडियो डालती है तो उनको पता चलता है कि वो बच्चा बड़ा हुई है, वो बच्चा अडॉप्ट मतलब बच्चा हो गया था। तो वो आते हैं बट मिमी नहीं देती है। तो उसके बाद बोलती है कि आप तो चले गए थे। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा मूवी का प्लॉट थोड़ा और आगे जाता है और उसके बाद वो एंड में जो है बच्चा फॉरनर्स खुद जो है अडॉप्ट करते हैं, उनको रियलाइज़ होता है कि उसकी परवरिश उसने की है। और बीच में एक और बताया गया कि मतलब जब वो उसको बुलाते हैं तो वो चले जाते हैं, मतलब बच्चे को बुलाते हैं फॉरनर जो उनका बच्चा होता है तो उसके पास चले जाता है। तो बीच में पंकज त्रिपाठी या कोई बोलता है कि यार खून तो उसी का है। तो यही था मूवी का प्लॉट और मूवी काफ़ी अच्छी है और देखने लायक है मूवी। एंड में मतलब एंड जो मुझे बहुत अच्छा लगा, इमोशनल था। बट मूवी का एक नेगेटिव थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि मूवी में ना कृति सनन और पंकज त्रिपाठी के रोल को उन्होंने मतलब अच्छे से प्रेजेंट किया बट मुझे बाकी का किसी का रोल मतलब इतना अच्छा नहीं लगा। फॉरनर्स का रोल था लेकिन इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। और बाकी ठीक है मूवी और सॉन्ग्स भी इतने बढ़िया नहीं हैं, मतलब इंटरेस्टिंग सॉन्ग नहीं है मतलब जो सुनने लायक हो। तो बाकी मूवी इज़ गुड। तो मैं इस मूवी को 4 स्टार दूंगा क्योंकि मूवी अच्छी है, अलग कंसेप्ट के साथ है और जब कोई अलग कंसेप्ट होता है तो देखने में मज़ा आता है, रिपीटिशन हो तो फिर मज़ा नहीं आता देखने का, कुछ अलग था। तो 4 स्टार दूंगा मैं मूवी को और कृति सनन और पंकज त्रिपाठी की परफॉर्मेंस में 5 out of 5 यार 5 स्टार दूंगा मैं इनको। तो आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।